क्या हर ACL इंजरी के लिए सर्जरी ही इलाज है? क्या जरूरी है कि अगर आपके MRI में ACL टियर दिखा रहा है तो आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा? या इस चीज को और डिटेल में जानने की और समझने की जरूरत है कि कौन से ACL को सर्जरी करना है और कौन से को ऐसे ही बिना सर्जरी के ठीक करना है? तो जो हमारा वीडियो है ना, वो आज इसी के बारे में डिटेल में बताएगा कि क्या हर ACL की सर्जरी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और यहां का डायरेक्टर हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये चैनल आपकी हेल्प करने के लिए है, आपको और अवेयरनेस देने के लिए है अपने लिगामेंट और ACL रिलेटेड इंजरीज और उनके इलाज के लिए। हमारे पास आज ऑलमोस्ट सारे इंडिया से और आसपास की कंट्रीज से भी पेशेंट्स आते हैं अपने लिगामेंट रिलेटेड ऑपरेशंस कराने के लिए और सक्सेसफुली जा रहे हैं, और भी पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि आप हमारे वीडियोस में देखते ही होंगे। एक जो मैंने सारे पेशेंट को देखने के बाद एक चीज समझी, जो कि बहुत से रेफरल पेशेंट्स आते हैं किसी जगह से MRI करा के किसी और पेशेंट के थ्रू, या फिर कोई डॉक्टर ही उन्हें वहां पर भेजता है कि डॉक्टर नीरज आप इनकी ACL सर्जरी कर दीजिए, तो पेशेंट पूरी तैयारी के साथ में आता है कि सर हमको ऑपरेशन कराता है, पर जब मैं उसकी MRI देखता हूं या जब मैं उसका पैर चेक करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि इसको तो ऑपरेशन की जरूरत थी ही नहीं। तो पेशेंट को ये बताना पड़ता है कि देखिए जी, आपका जो ACL है वो बड़े आराम से बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट खुश तो होते हैं, बट बहुत से पेशेंट डाउट में भी होते हैं कि सबने ऑपरेशन बोला और MRI में भी दिखा रहा है, तो फिर आके डॉक्टर साहब बिना ऑपरेशन के क्यों बोल रहे हैं, कहीं मैं खराब ना हो जाऊं और मेरा टाइम खराब ना हो जाए। तो आज का वीडियो में यही बताना चाहूंगा कि क्या हर ACL के लिए जरूरी है ऑपरेशन। देखिए दोस्तों, MRI जो इन्वेस्टिगेशन है ना, ये बहुत कॉमन आजकल, इवन छोटे सिटीज में भी MRI उपलब्ध हो गया है। और मैं ये भी देखता हूँ कि पेशेंट आजकल चोट लगने पर एक स्पेशलिस्ट से मिलने से पहले कई बार MRI करा लेता है, अपने फैमिली डॉक्टर से, या कभी कभी तो खुद से ही सेल्फ जा करके MRI सेंटर में एक MRI करा लेता है। कभी कभी ऐसे डॉक्टर भी उनको करते हैं जो कि फिजिशियन है या फिर ट्रॉमा स्पेशलिस्ट है, जिनको उतनी जानकारी नहीं है, फिर भी उनके प्रिस्क्रिप्शन पे MRI हुआ और पेशेंट ने कभी किसी ऐसे सर्जन या ऐसे बंदे से चेक ही नहीं कराया अपना पैर जो कि लिगामेंट रिलेटेड और स्पोर्ट्स इंजरी का ही स्पेशलिस्ट है। अब MRI जो होता है ना, वो आपके पैर के सिग्नल्स पकड़ता है। देखिए, मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि MRI कभी भी 100% इंफॉर्मेटिव नहीं होता। अगर आप अपने MRI के रिपोर्ट के सबसे नीचे का एक टर्म देखेंगे ना, तो उसमें प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि पैर को चेक करके और MRI को देख के फिर दोनों का सामंजस्य बना के उन दोनों के मिलान के बाद जो हमारी निष्कर्ष आती है उस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा इलाज क्या होगा। जितना रोल MRI का है उससे कहीं ज्यादा रोल आपके फिजिकल एग्जामिनेशन का है। हमसे भी बहुत से पेशेंट जो ओपिनियन लेते हैं व्हाट्सएप पे, उनमें कई बार हम लोग ये लिखकर भेजते हैं कि कांट कमेंट ऑन दिस MRI बिकॉज ये इनकंक्लूसिव है। हमको कंफर्म नहीं है कि इसका इलाज क्या होगा सिर्फ MRI देख करके। हम मरीज को देखना चाहते हैं, कभी कभी फिल्म्स भी देखना चाहते हैं। ऐसा भी कई बार होता है कि फिल्म देखने के बाद भी कंफर्म नहीं होता। मरीज को देखना बहुत जरूरत होता है, उसको उसके डिमांड्स और उसकी जो लक्षण है उसकी हिस्ट्री पूरा समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ये इतना सिंपल अगर होता ना कि MRI में ACL टियर दिख रहा है उसका ऑपरेशन करा दो, तो बहुत इजी हो जाता, फिर हमारी जरूरत उतनी पड़ती ही नहीं। कई बार हम जो ऑनलाइन ओपिनियन देते हैं, हमको उसमें भी लगता है कि कभी कभी हमारा ओपिनियन शायद गलत भी हो जाए, क्योंकि हम सिर्फ रिपोर्ट ही देख रहे हैं, तो वो हमेशा लिमिटेशन होती है ऑनलाइन की। फिजिकल एग्जामिनेशन हमेशा बहुत अच्छा होता है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं MRI में? देखिए, एक तो क्या होता है ना कि क्वालिटी ऑफ द MRI, अगर आपकी MRI 0.5 टेस्ला है या फिर पुराने जमाने की MRI है, बहुत अच्छी एडवांस MRI नहीं है, उसमें नी कॉयल नहीं है, तो आपका जो MRI का जो फिल्म्स आएगी वो बहुत क्लियर नहीं होगी, उस पर कुछ भी कमेंट कर पाना बहुत ही पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्रेश इंजरी में MRI हुआ और अगर बहुत अच्छी मशीन नहीं है तो भी कंफर्म करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या इसमें कंप्लीट टीयर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि MRI में वो सिर्फ एक एडिमा दिखा रहा है जो कि एक टीयर की तरह दिख रहा है, बट चेक करने में वो टीयर नहीं था। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन की ज्यादा वैल्यू है MRI की तुलना में। अब MRI की कुछ फाइंडिंग्स हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर प्रॉपर एक 1.5 की एक बढ़िया स्टैंडर्ड क्वालिटी MRI या फिर 3 टेस्ला की MRI हो,
तो उसमें जो जो फाइंडिंग होती है जिसमें की जरूरत नहीं पड़ती है, एक सबसे कॉमनली आप जो फाइंडिंग देखेंगे वो होता है एसियल स्प्रेन। एसियल स्प्रेन मतलब हुआ कि ये टाइप 1 इंजरी है, सिर्फ एसियल में कुछ खिंचाव आया है जिसको कि बोलते हैं ना कुछ चोट लगी है, उसमें नहीं जरूरत होती है। उसके लिए भी मरीज मेरे पास कई बार आ जाते हैं, सर ऑपरेशन बोला गया बिकॉज एसियल की इंजरी दिखा रहा है, उसमें जरूरत नहीं होती है। दूसरा होता है कि अगर उसमें कंट्यूजन दिखा रहा है, एसियल इज एडिमेटस मतलब कि सूजन है, एडिमा मतलब सूजन होता है, एसियल में चोट लगी वो सूजा है पर वो फटा नहीं है, उसमें भी जरूरत नहीं पड़ती है सर्जरी की। तीसरा, अगर एसियल ग्रेड 1 इंजरी दिखा रहा है या एसियल ग्रेड 2 इंजरी दिखा रहा है तो उसमें भी जरूरत नहीं पड़ती सर्जरी की, जरूरत केवल ग्रेड 3 इंजरी में पड़ती है, ग्रेड 3 इंजरी ही कंप्लीट टीयर है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरस्टिशियल टीयर दिखा रहा है उसमें, इंटरस्टिशियल टीयर मतलब ये हुआ कि बीच के फाइबर्स कुछ फटे हैं। अब ये जो सिचुएशन है ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है बिकॉज इसको बोलते हैं पार्शियल टीयर। अब पार्शियल टीयर कैन बी हाई ग्रेड, कैन बी लो ग्रेड, कैन बी इंटरमीडिएट ग्रेड। अब ये इंटर ऑब्जर्वेशन भी इसमें होता है, भाई मुझे जो चीज़ हल्की लग रही है किसी को वो ज़्यादा लगेगी, इसलिए ऐसे स्टेजेस में आपके रेडियोलॉजिस्ट ने मान लो आपको इंटरमीडिएट ग्रेड लिखा है, बट चेक करने समझ में आ रहा है कि वो पूरी लचक आ रही है तो उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। या हो सकता है आप रेडियोलॉजिस्ट ने उसमें हाई ग्रेड लिखा है बट चेक करने में उसमें लचक नहीं है तो वो लो ग्रेड इंजरी हो गई, तब भी सर्जरी की जरूरत नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने लक्षण को देखें, अपनी लचक को देखें और जो आपके सर्जन ने चेक किया है, जो लैकमैन टेस्ट, हम अपने बहुत से शॉर्ट्स और वीडियोस डालते रहते हैं लैकमैन टेस्ट कैसे करना है, एंटीयर ड्रॉ टेस्ट करना है, उनको भी प्लीज देखें, उनको भी खुद भी करके देख सकते हैं अगर आपके पास उस समय किसी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि आपका टीयर हुआ है कि नहीं हुआ। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओनली पीएल बंडल इज डाउन और एएम बंडल इज डाउन, तो पीएल बंडल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पीएम बंडल, जो पीएल बंडल टॉन होता है उसके बाद भी पेशेंट में कोई इंस्टेबिलिटी नहीं होती, वो ठीक होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट टीयर एसियल दिखा रहा है बट पेशेंट को इंस्टेबिलिटी नहीं है, तो उनको हम नहीं छूते, उनकी सर्जरी नहीं करते, जी आपको इंस्टेबिलिटी नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही रहिए, ठीक रहेगा। अक्सर ऐसे होता है कई पेशेंट के दोनों पैर में एसियल टीयर है, एक में इंस्टेबिलिटी है, एक में लैकमैन पॉजिटिव है, एक में लैकमैन नेगेटिव है, इंस्टेबिलिटी नहीं है, तो उसमें जिसमें इंस्टेबिलिटी है उसी को करके हम छोड़ देते हैं, दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज की इनस्टेबिलिटी जो है ना वो केवल एसीएल की वजह से नहीं होता, जो कैप्सूल है, जो आपके लैटरल स्ट्रक्चर, जो आपके कोलैटरल्स हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और एक सबसे जिसमें कि हम लोग सर्जरी नहीं करते उसमें क्या होता है कि अगर आपके पैर में बहुत ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, आपकी एज ज्यादा, आपको गठिया हो गया, अब उसमें अगर एसीएल टीयर है भी ना तो भी गठिया की वजह से आपका पैर जो है ना वो टाइट हो चुका है, वो लचकेगा नहीं, तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। कई बार ना गठिया है, आपको दर्द है, आप जाके एमआरआई करा के आते हैं और आपको दिखता है कि एसीएल टीयर है, तो मेरे पास आ जाते हैं मरीज, डॉक्टर साहब मुझे एसीएल टीयर दिखा रहा है इसलिए मुझे दर्द कर रहा है, मेरा ऑपरेशन करिए। तो समझना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई आपको एसीएल की वजह से दर्द नहीं हो रहा है, ये आपको गठिया हो गया, हो सकता है आपको पुराना एसीएल हुआ हो जिसका आपने ऑपरेशन नहीं कराया और धीरे धीरे लचक आते आते आपका गठिया हो चुका, अब तो गठिया हो गया, कोई लचक नहीं आने वाली, तो एसीएल सर्जरी की जरूरत नहीं थी। तो ये है कुछ सबसे जिसमें कि जो आपकी एमआरआई फाइंडिंग्स हमने बताई, जो अगर आपको दिखते हैं तो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और केवल फिजियोथेरेपी, रेस्ट और ब्रेस करके आप ठीक हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप एक प्रॉपर स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन के पास जाएं, अगर हो सके तो फिजिकली एग्जामिनेशन कराएं। रिपोर्ट्स केवल अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का एमआरआई है और एकदम कंप्लीट टीयर उसमें दिखा रहा है तभी हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें एसीएल सर्जरी की जरूरत है। अगर ऐसा दिखा रहा है और बढ़िया क्वालिटी का एमआरआई है तब हम एकदम अपने ऑनलाइन जो हम लोग कंसल्टेशन देते हैं, जो हम लोग ओपिनियन देते हैं, उसमें एकदम कंफर्म बोलते हैं कि देखिए भाई आपको तो कंप्लीट एसीएल टीयर है, आप सर्जरी करवाइए, अगर जरूरत है फिर तो सर्जरी करवाना ही पड़ेगा। बट जो आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं इनको दिमाग रखना बहुत जरूरी है, एमआरआई, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, सब कुछ मिला करके जो आपका एक कंक्लूजन बनता है उसके आधार पर डिसाइड करेंगे कि सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है। तो ये था ऑल अबाउट कि क्या हमेशा एमआरआई प्रूवन एसीएल टीयर को सर्जरी की जरूरत होती है कि नहीं। आई एम श्योर कि आपके काफी डाउट्स हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको डाउट्स होते हैं तो हमसे कमेंट सेक्शन पर लिख के पूछिए या फिर हमसे व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर करके हमसे रिप्लाई लीजिए, हम आपको जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने इसी का ख्याल रखिए।